बाइकर फैमिली, हाय। सो वेलकम बैक टू बाइकर बाइकनी वंडरलस्ट। सो आज हम एक नए एडवेंचर राइड पे निकल चुके हैं बैंगलोर से। सो टुडे इज डे वन और हम जा रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, जो हमारा फेवरेट पार्ट ऑफ इंडिया है। सो वहाँ जा रहे हैं, हम जा रहे हैं अमृतसर, और हमारा पहला स्टॉप होगा सोलापुर, जो कि महाराष्ट्र में है। तो सोलापुर अराउंड 625 किलोमीटर है हम लोग के घर से। अभी हम लोग चित्रदुर्ग पहुँचेंगे, उसके बाद NH50 लेके सोलापुर पहुँचेंगे। अराउंड 10:30 से 11, 11:30 घंटे लगेंगे अप्रॉक्सीमेटली। बीच में रुक जाएंगे, थोड़ा सा लंच करेंगे और आराम से पहुँचेंगे। बीच बीच में आपको हाईवेज दिखाते हुए लंच क्या कर रहे, कहाँ रुक रहे, क्या खा रहे, और थोड़ी बहुत गप्पे शप्पे मारते हुए आज सोलापुर तक पहुँचते हैं। ओके, और अभी आपको हमारी स्टॉर्म दिखाते हैं, हमारी V-Storm 650 कैसे लोडेड है और मस्त खुश है धूप में। सो ये शेल पेट्रोल पंप पे हमने ऐसे ही ब्रेक लिया था, तो ये देखिए हमारी प्यारी V-Storm 650 और विथ न्यू सैडल बैग्स। और ये हाईवे, सब सारे ट्रक्स जा रहे हैं। ओके, सो सी यू ऑन द रोड। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग फ्रॉम सोलापुर। सो कल हम 6:30 बजे होटल प्रीतम सोलापुर में रुके थे, दैट वाज डे वन। सो आज है डे टू, जो हम सोलापुर से इंदौर की तरफ जा रहे हैं। एंड कल का रोड वाज प्रीटी गुड, हम लोग अराउंड 643 किलोमीटर्स कवर किए इन 11 आवर्स। सोलापुर बैंगलोर टू सोलापुर हाईवे NH48 और NH50 दो के बीच में है। तो आप पहले NH38 पे जाते हो, उसके बाद आप NH50 पे आते हो। इट इज़ थ्रू आउट फोर लेन और सिक्स लेन। तो हाईवे स्मूथ है, खाने पीने का जगह थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। तो जैसे कि आप एक मिनट, कौन सा टॉल था, होस्पेट टॉल के ठीक बाद आपको कुछ ढाबा मिलेगा, वहीं पे खा लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद खाने पीने के ईटरीज थोड़े कम है। फिर विजयपुर आते आते आ जाते, काफ़ी खाने पीने की जगह आ जाते, तो बस उतना ध्यान रखना है, एल्स डैम स्मूथ रहेगी। या सो अभी हम निकल रहे हैं इंदौर की तरफ, जो कि है 700+ किलोमीटर। इट्स अ लॉन्ग राइड टुडे, आज अराउंड 13-14 घंटे तो लगेंगे। बट लेट्स रोल। एंड अभी अब आपको चेकआउट करने से पहले आपको हमारी V-Storm दिखाते हैं। यह है होटल का रिसेप्शन एरिया, वेरी नाइस होटल, सो इट वाज अ गुड स्टे। ओके, एंड ये हमारी V-Storm 650, ऑल लोडेड एंड रेडी टू रोल। वी आर ऑन द वे टू इंदौर, हमने लंच कर लिया और अभी हम कन्नड़ घाट क्रॉस कर रहे हैं। तो आपको जस्ट थोड़ा आसपास का नज़ारा दिखाते हैं। थोड़ी क्लाउडी हो गई है, तो वो घाट आपको सही से दिखेगा नहीं, बट स्टिल आई ट्राई टू शो यू अराउंड। ये यहाँ से आए, ये देखिए यहाँ से घाट सेक्शन शुरू होता है और अभी हमको आगे जाना है। ये हम ऐसे खड़े हैं एंड लाउड, दैट इज़ द व्यू which is looking cloudy। okay, बने रहिए हमारे साथ, चलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो हम हैं इंदौर में। टुडे इज डे 3 ऑफ द राइड। सो कल हम सोलापुर से इंदौर आए, आज हम इंदौर से जयपुर जा रहे हैं, विच इज़ अराउंड 600 किलोमीटर्स। अबाउट 10:30 घंटे लगेंगे, तो वो फुल रात 8 बजे तक हम पहुंच जाएंगे। और कल का जो राइड था वो सोलापुर से निकले, तो हाईवे वाज प्रिटी गुड, ऑसम हाईवे। उसके बाद कन्नड़ घाट आया, वो पार किए, फोटोज वोटोज लिए, ऑल वाज गुड एंड फाइन। फिर जो रोड मिला, मतलब कन्नड़ घाट से लेके जब तक धूले नहीं पार हुआ तब तक तो देर वॉज नो रोड, ब्रोकन हाईवे, स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन,
उसके बाद हुआ ट्रक ट्रैफिक शुरू। दो घाट में ट्रक कोई 51 पे चल रहा है, कोई 52 पे चल रहा है, दोनों एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे, तो हम पीछे खड़े हुए हैं। ये करते कराते अबाउट नेक्स्ट 150 किलोमीटर स्टिल इंदौर इज बैड फॉर नाइट राइडिंग, इज़ नॉट टू बी रिकमेंडेड। इनफैक्ट हम लोग को नेक्स्ट बार करना पड़ा तो हम उससे पहले रुकेंगे और फिर क्रॉस करेंगे। बहुत ह्यूज ट्रैफिक था एंड फ्रेंकली नॉट वर्थ इट। और उस रूट में द फनी थिंग इज हमने इतने वेराइटीज ऑफ ट्रक्स देखे, उनको क्रॉस भी किया। इट वॉज लाइक राइडिंग एंड रेसिंग, रेसिंग तो नहीं, मतलब काइंड ऑफ ट्राइंग टू, दे आर ट्राइंग टू ओवरटेक, और सारे साइज और सारे कलर्स के और डिफरेंट वेराइटीज ऑफ ट्रक्स देख लिया। तो इतना मतलब बेसिकली दैट इज नॉट द रूट फॉर नाइट राइडिंग। तो आप जब भी वहाँ से आएंगे तो 6-7 बजे के बाद डोंट राइड ऑन दैट रूट। सो बेटर कि आप पहले रुक जाओ, सेंधवा है उससे पहले, वहाँ पे रुक सकते हो। और अदरवाइज अगर आप अर्ली मॉर्निंग निकलते हो तो मे बी यू कैन क्रॉस जयपुर, सॉरी यू कैन क्रॉस इंदौर इफ़ यू कैन, बट बेटर ऑप्शन इज बिफोर जयपुर, बिफोर इंदौर, सॉरी। चलिए अब हम लोग निकलते हैं जयपुर के लिए। ओके सो मिलते हैं आगे की रोड पर, आपको हाईवेज दिखाते हैं, क्या खाएंगे क्या करेंगे सब बताते हैं। सो बी विद अस अंटिल वी रीच जयपुर। ओके बाय बाय। गुड मॉर्निंग। सो वी आर इन जयपुर। सो हम निकले थे इंदौर से, पहुँचे जयपुर। जयपुर वॉज अराउंड 600 किलोमीटर्स। रोड का कंडीशन ये बताएगा, बट उससे पहले हम बताते हैं कि पहुँचते पहुँचते थोड़ा लेट हो गया, हम वहाँ से लेट से निकले थोड़ा, तो प्लस यहाँ पहुँचे, यहाँ हम रह रहे हैं माधव मैलेट में, जो बहुत ही मस्त प्रॉपर्टी है। अगर आपको यहाँ रहना है, वेरी गुड प्लेस टू स्टे, वेरी नाइस प्लेस, होम स्टे वाला फीलिंग है। नेक्स्ट थिंग इज़ अभी हम निकल रहे हैं अमृतसर के लिए, और अमृतसर में कुछ दिन रहने वाले हैं। आपको भी पता है वहाँ पे क्या क्या है एक्सप्लोर करने के लिए, क्या क्या है देखने के लिए। सो बने रहिए हमारे साथ जाने के लिए हम अमृतसर में क्या क्या करते हैं, बट उससे पहले रोड का कंडीशन इंदौर टू जयपुर। अब इंदौर टू जयपुर हमें लगने वाला था अकॉर्डिंग टू गूगल मैप 10.5 घंटे, बट एज यूजल हमें जो ट्रैफिक जाम मिलना शुरू हुआ, वो भी ट्रक का ट्रैफिक, तो ट्रक से बचते बचाते इधर उधर करते हुए, बीच में जगह जगह पतले रोड्स हैं, जब तक आप प्रॉपर राजस्थान नहीं टच कर ले तो रोड्स उतने भी अच्छे नहीं हैं। मतलब पिछले बार की तरह उतने ख़राब नहीं, बट इट्स नॉट दैट गुड। स्पीड मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हमें अराउंड 11.5 से 12 घंटे लग गए विद ब्रेकफास्ट एंड लंच ब्रेक्स। तो आप अगर इस रूट पर आते हैं तो ये बस ध्यान में रखिएगा कि आपको ट्रक ट्रैफिक काफ़ी मिल सकता है, तो उस तरह से प्लान कीजिए।